हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं भारत सेंड एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ, अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि ये एप्लीकेशन अभी हफ्ते दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। और जैसे आप शेयर इट यूज करते हैं, एजेंडर यूज करते हैं, सेम उसी तरह से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इंडियन एप्लीकेशन है। जी हाँ, इसके जरिए अभी आप फोटो वीडियो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि जैसे आपको शेयर इट में बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मिलता है, एड देखने के लिए मिलता है, उस तरह से ये एप्लीकेशन काम नहीं करता है। जी हाँ, ये बहुत ईजी तरीके से इसमें आपको ना एड देखने के लिए मिलेगा, एड भी बहुत कम, उसके साथ इसमें आपको कोई भी वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसमें आप इजीली अपने वीडियो को फोटो को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है। अगर आप प्ले स्टोर में जाकर इस एप्लीकेशन को सर्च करते हैं भारत सेंड, तो ये एप्लीकेशन इतना नया है कि अभी ये सर्च रिजल्ट में भी नहीं आ रहा है। जी हाँ, तो कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन जानकारी लेकर आते रहते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद से आपके सामने कुछ इस तरह का फेस आएगा। हम आपको बता दें कि जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो जिस फ़ोन से आपको दूसरे फ़ोन में भेजना है उस फ़ोन का सबसे पहले आपको हॉट स्पॉट ऑन कर लेना है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है। और जिस फ़ोन में आपको ट्रांसफ़र करना है उस फ़ोन का आपको वाईफाई ऑन करके रखना है। जी हाँ, इतना करने के बाद से आपको यहाँ पे सेंड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको जो भी सेंड करना है, एप, म्यूजिक, फ़ोटो, वीडियो, कोई भी फाइल सेंड करना है। जैसे मान लीजिए हमको कोई एक फ़ोटो सेंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस वाले फ़ोटो को ले लेते हैं और यहाँ से शेयर करते हैं और दूसरे वाले फ़ोन में हम रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे प्लस का आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी वाईफाई और हॉटस्पॉट यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से हमें दूसरे फ़ोन में रिसीव का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से हमको रिसीव करना है। तो जैसे हम रिसीव करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए हमने जो फ़ोटो भेजा है ईजिली हमारे दूसरे फ़ोन में पहुँच गया है। हम आपको बता दें कि इसमें आपको बहुत सारे एड देखने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत सारे वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसे आपको शेयर इट में मिलता है। जैसे उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, उसमें बहुत सारे फालतू वीडियो देखने के लिए मिल जाता है। इसमें अभी उस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन आपको जब पहली बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कनेक्ट कराने में। जी हाँ, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कनेक्ट कराने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले आपको हॉटस्पॉट ऑन करना है, दूसरे फ़ोन का वाईफाई ऑन करना है और उसको यहाँ पर कनेक्ट करा दीजिएगा। जी हाँ, कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं हमने कैसे यहाँ पे कनेक्ट कराया है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कुछ भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। लेने के बाद से जैसे मान लीजिए हम इस फ़ोटो को ले लेते हैं और यहाँ पे सेंड करते हैं, ठीक है। सेंड करने पे हमें यहाँ प्लस का आइकन मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, कैसे इसमें सेटअप करना है, हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख लीजिए, तीन ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, सेटअप हॉट स्पॉट, यहाँ पे QR कोड, स्कैन कोड। तो ये तीन ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको चाहे सेटअप हॉट स्टॉप पे क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद से नीचे स्टॉप हॉट स्पॉट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ से आपको ओपन करना है या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से ऊपर जाकर हॉट स्पॉट ऑन करके कनेक्ट करा लीजिएगा। अगर आप कनेक्ट नहीं कराते हैं तो हम आपको बता दें कि ये एप्लीकेशन उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। आगे इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगा ये और बेहतर हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो इसको आपको ऐसे ही यूज करना है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि मैंने पहले भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने जियो स्विच एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया है। लेकिन उस एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन में काम ही नहीं करता है। जी हाँ, अच्छे से वर्क ही नहीं कर पाता है। जैसे हम इसमें इजीली वर्क करा रहे हैं उस तरह से जियो स्विच में हम अच्छे से शेयर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। मुझे खुद ही बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे उसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस एप्लीकेशन में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसमें आप इजीली भेज सकते हैं, जी हाँ, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट करा लेना है। एक बार आप दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करा लिए तो आपको दूसरी बार कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली यहाँ से सेंड कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी सेंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से।
और यहाँ पे देख लीजिए एड भी आपको बहुत कम देखने के लिए मिल रहा होगा, तो ऐसा नहीं कि इसमें आपको भर भर के एड देखने के लिए मिल रहा है। और नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेड विथ लव इन इंडिया, ये प्योर इंडियन एप्लीकेशन है। जी हाँ, उसके बाद से यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने क्या क्या शेयर किया है अपने फ़ोन में। यहाँ पे नीचे आपको हिस्ट्री दिखाई देगा। जी हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे इजीली आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे मैनेज डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे होम का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे शेयर ऐप का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करिए और यूज करिए, ये प्योर इंडियन एप्लीकेशन है। जी हाँ, तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन जानकारी लेकर आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।